नमस्ते, राखी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। इसके लिए मैंने 4 ब्रेड और 4 आलू लिया। मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ब्रेड को चारों कोने से इस तरह से काट लेना है और इसको निकाल लेना है। काट के मैंने साइड से चारों ब्रेड को काट लिया है। आलू को मैंने पहले से ही उबाल लिया है। अब इसको इस तरह से चूर लेना है। आलू को मैंने अच्छी तरह से चूर लिया है। अब इसमें ब्रेड को लेना है और पानी में हल्का सा भिगा लेना है और इस तरह से पानी को निकाल लेना है दबाकर, और ब्रेड के साथ मिक्स कर लेना सारे ब्रेड को। इसी तरह हल्का हल्का पानी से भिगा के दबा लेना है, दबाकर आलू में मिक्स कर लेना है। मैंने सारे ब्रेड से को अच्छे से चूर लिया है। अब इसमें जीरा और गोलकी का पाउडर डालना है, चुटकी भर फिर लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है और सबको इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। आलू और ब्रेड अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ब्रेड से जो साइड में जो सबको काटा था चारकोल का, इसको सबको मिक्स कर लेना है। इस तरह से हाथ से चूर लेना है। मैंने ब्रेड को चूर लिया है। अब इसको इस तरह से इसको पीस लेना है मिक्सर में डालकर। ब्रेड का पाउडर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब इसमें एक कटोरा लेना है, इसमें एक चम्मच भर मैदा डालना है और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और इसमें आधा कप पानी डालना है। आधा कप पानी डालकर चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आलू और ब्रेड का रोल करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों हाथों में पहले से तेल लगा लिया है। अब इस तरह से करके लंबे लंबे रोल कर लेना है। इस तरह से सारे आलू को दोनों हाथों में तेल लगा के इस तरह से हल्के हाथों से रोल कर लेना है। रोल पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है। अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पहले से गरम कर लिया है, उसमें तेल भी गरम हो गया है। अब रोल को पाउडर, ब्रेड का पाउडर लगाकर इस तरह से चारों तरफ से ब्रेड का पाउडर लगा लेना है और इसे फ्राई कर लेना है। सारे रोल को इसी तरह मैदा लगाकर फ्राई कर लेना है। सारे रोल को मैंने तेल में डाल दिया है। अब इसको कम आंच में 5 मिनट तक इसको होने देना है, पकने देना है 5 मिनट तक। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, दूसरी तरह से लटकर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है कम आंच में। ब्रेड रोल पूरी तरह से अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेना है। ब्रेड रोल पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है। थैंक यू। अगर मेरी मम्मी का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब।